हम हिंदू हैं, हमारे यहाँ कभी इजराइल हमास जैसे युद्ध नहीं हुए। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बयान। जी हाँ दोस्तों, लगातार आरएसएस भी राजनीति में अपनी सक्रियता दिखाता रहता है, और जिस तरह से कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे राहुल गांधी भी आरएसएस को भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़कर उन पर निशाना साधते रहते हैं। और लगातार बहुत बार ऐसा हुआ है जब राहुल गांधी ने कहा हो कि मोहन भागवत हो या आरएसएस हो या बीजेपी हो, सबके सब देश में नफरत फैलाते हैं और राजनीति करते हैं, और राहुल गांधी कहते कि हम कांग्रेस वाले आरएसएस और भाजपा जैसी राजनीति नहीं करते और हमारा हिंदुत्व तो उनके जैसा नहीं है। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने शनिवार को इजराइल हमास के बीच जारी संघर्ष पर बयान दिया है। संघ प्रमुख ने कहा कि हिंदू धर्म सभी धर्मों का सम्मान करता है, इसलिए भारत ने कभी भी इजराइल हमास जैसे युद्ध नहीं देखे। मोहन भागवत शनिवार को महाराष्ट्र के नागपुर में एक स्कूल कार्यक्रम में बोल रहे थे, जो मराठा राजा छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक के 350 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया था। आखिर क्या बोले मोहन भागवत? आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने रूस, यूक्रेन, इजराइल, हमास जैसे दुनिया के अन्य हिस्सों में संघर्ष का जिक्र करते हुए कहा कि भारत ने ऐसे मुद्दों पर कभी युद्ध नहीं देखा है। संघ प्रमुख ने कहा कि शिवाजी महाराज के समय का आक्रमण उसी प्रकार का था, लेकिन हमने इस मुद्दे पर कभी किसी से लड़ाई नहीं लड़ी, इसलिए हम हिंदू हैं। उन्होंने कहा, जब आप हिंदू कहते हैं तो यह बताने की जरूरत नहीं होती कि मुसलमानों को भी सुरक्षा दी गई है, यह सिर्फ हिंदू ही करते हैं और केवल भारत में ही ऐसा होता है, दूसरे देशों में यह नहीं होता है। यह हिंदुओं का देश है, इसका मतलब यह नहीं है कि हम अन्य सभी धर्मों को अस्वीकार करते हैं। यहाँ जब आप हिंदू कहते हैं तब यह बताने की जरूरत नहीं होती कि मुसलमानों को भी सुरक्षा दी गई है, केवल हिंदू ही ऐसा करते हैं, केवल भारत ही ऐसा करता है, दूसरे देशों में ऐसा नहीं होता है। उन्होंने कहा कि सभी जगह पर संघर्ष हो रहे हैं, हमारे देश में ऐसे मुद्दों पर कभी युद्ध नहीं हुए, शिवाजी महाराज के समय में हुआ आक्रमण उसी प्रकार का था, लेकिन हमने इस मुद्दे पर कभी किसी से लड़ाई नहीं लड़ी, इसलिए हम हिंदू हैं। तो यहाँ पर राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत अपने हिंदू होने का गर्व भी महसूस कर रहे हैं, और साथ में कह रहे कि हिंदू होने का मतलब ही ये होता है सभी धर्मों का सम्मान करें और उनको सुरक्षा प्रदान करें। लेकिन वहीं पर आपको बता दें, विपक्ष लगातार भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस पर इसको लेकर आरोप लगाता कि यह लोग नफरत की राजनीति करते हैं और एक धर्म के एक जाति के लोगों को दूसरे धर्म और दूसरी जाति से लड़वाते रहते हैं, और यही इनका काम है कि फूट डालो, राज करो। जो अंग्रेज रणनीति अपनाते थे वही रणनीति आरएसएस और भाजपा अपनाती है, यह लगातार विपक्ष समय समय पर कहता रहा है। दोस्तों इस पर आप क्या कहते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए सच की आवाज।